बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इमान्स कुकिंग स्टाइल। आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 pound भिंडी, और मैंने इनको वॉश करके, रात को ही मैंने वॉश करके ड्राई करके इनको मैंने पीसेस में काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, 1 large अनियन, और इसको मैंने चाट मसाले लगा के रख दिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 large टमेटो, 1 large green chilies, and 1 medium size ginger, and 1 lemon. इसको मैंने half में काट लिया है। एंड यहाँ पर मैंने लिया है 1 teaspoon red chili flakes, 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon salt, and 1 full teaspoon अनारदाना, सूखा धनिया एंड ज़ीरा। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इसको एक जार, एक इसको इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको एक पीस के और एक जार में डाल दीजिए। और यहाँ पर मेरे लिए 1 pinch ज़ीरा एंड 1 pinch कलौंजी, और यहाँ पर मेरे लिए है ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑलिव ऑयल। अब हम स्टोव ऑन करेंगे हाई फ्लेम पे, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके में ऐड करेंगे भिंडियाँ। अब हम इनको फ्राई करेंगे और इसके अंदर ज़्यादा चम्मच से हिलाएंगे। हम इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं लाएंगे, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पैकेट वाली भिंडियाँ भी बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी एंड सिंपल वे से बनते हैं। ड्रिंक पैदा मत भूलिएगा, इससे आपके खाने में और आपके घर में बरकत भी पड़ती है, आपके खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है। हम इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं इसलिए ला रहे क्योंकि ये ना स्वाद भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप जिंजर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारे फैमिली में जिंजर सॉफ्ट जिंजर बहुत अच्छा पसंद किया जाता है, इसलिए हमने सॉफ्ट जिंजर डाल दिए। इसको हम बहुत लाइट सा मिक्स करेंगे और 3 to 5 मिनट उसको फ्राई करेंगे। जितनी देर में मेरे भिंडियाँ हो रही हैं, मैं मीन वायर में मैं प्याज काटे कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल दूँगी। यहाँ पर अपना स्टोव ऑन करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर देंगे। प्याज को जब मैंने इसको काट के तो चाट मसाला लगाया था, मैंने इसको फौरन कवर कर दिया था क्योंकि ये ना मॉइस्चर सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। साथ साथ में मैं अपनी भिंडियाँ को भी चेक करती दूँगी। और अब हम ऐड करेंगे प्याज। मैंने भिंडियों की फ्लेम मीडियम लो पे कर दिया ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, और अपने प्याज में इसको स्पाटे कर दूंगी यहाँ पर। हमने यहाँ पे स्टोव बंद कर लूँगी इसका, और अपने अनियन इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
और इसका मैं ऑयल भी इसके साथ ऐड करूँगी। और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी एंड सिंपल वे से बनती हैं। और कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने टोमेटोस। कुछ लोगों को टोमेटोज नहीं पसंद, तो आप लोग बिल्कुल थोड़े से टोमेटोज भी डाल सकते हैं। और इसको हम दम पे लगा देंगे बिल्कुल 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इंशाल्लाह न्यू वीडियो में हम न्यू रेसिपी बनाएंगे। और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊँगी कि पैकेट वाली भिंडियाँ कैसे बनाते हैं। वीडियो के साथ आप पराठे के साथ सुबह ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, दृश्य पढ़ना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।